तो दोस्तों आज हमारे पास आई है 40 इंच की एलईडी टीवी एंड इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है नो डिस्प्ले ओनली साउंड का। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको चालू करके कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है और उसको कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये इसका प्लग है, इसको मैंने सीरीज पे लगा दिया हूँ एंड अब मैं इसको लगाता हूँ प्लग पे। तो यहाँ पर हमारा रेड इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज़। रिलीज़ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे डिस्प्ले में कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। एंड जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा इस टैप से तो यहाँ पर हमको एक लाइट शो होगा जो कि हमारा बैकलाइट का लाइट है। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो हमारा मदरबोर्ड है वो यहाँ पर ओके है, हमारा जो बैकलाइट है वो भी यहाँ पर ओके है। तो जो हमारा मेन फॉल्ट है दोस्तों हमारे डिस्प्ले पे है। तो ऐसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे फॉल्ट को रिपेयर करना है, पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके बैक कवर को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारा 4 कॉफ का पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक साइड में 2 कॉफ है और राइट साइड में हमारा 2 कॉफ यहाँ पर दी हुई है। एंड दोस्तों यह है इसका मॉडल नंबर LC390TA2A21। तो दोस्तों ये 39 इंच की हमारी डिस्प्ले है। तो दोस्तों ये 40 इंच की एलईडी में लगती है और 42 इंच की एलईडी में यहाँ पर लग जाती है। तो दोस्तों ये हमारा VGL की सप्लाई ये वाली जो कि माइनस में रहती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारी VGH की सप्लाई है जो कि पॉजिटिव 20 वोल्ट के एबो रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको वोल्टेज को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को लेकर आ गया हूँ एंड इसको मैं रखा हूँ 200 वोल्ट DC पे एंड मैंने निगेटिवली पूरा आपको अर्थिंग कर दिया, मैंने बॉडी अर्थ पर मैंने दे दिया हूँ। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू और आपको बताता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ एंड यहाँ पर हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है। देन अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज़। रिलीज़ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमारा जो वोल्टेज है VGH का और VGL का वो यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता। तो ये हमारा VGL का वोल्टेज है जो कि माइनस में रहता है। तो यहाँ पर -6.1 वोल्ट बन रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये हमारा VGL की सप्लाई -6.2 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हो, जो कि ओके वोल्टेज है हमारा। एंड दोस्तों ये हमारा VGH तो यहाँ पर 20 वोल्ट के एबो रहता है। तो यहाँ पर 23 वोल्ट बन रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके डिस्प्ले में ऐसा फॉल्ट आता है कि नो डिस्प्ले है एंड जो आपका वोल्टेज है VGH VGL यहाँ पर बन रहा है, तो दोस्तों आप लोग समझ जाना कि जो आपका फॉल्ट है वो कहने की आपके डिस्प्ले पे है, यानी जो आपका डिस्प्ले में जो वोल्टेज जाता है VGH का वो कहने की इसे ब्रेक हो रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो, वो मैं आपका सिखाने वाला हूँ, पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका डिस्प्ले है उसमें साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसमें साइड कॉफ दी होंगी तो दोस्तों उसमें हमको VGH की सप्लाई को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 99% केस में क्या होता है जब आपकी VGH की सप्लाई अगर मिसिंग हो जाती है यानी ब्रेक हो जाती है कहीं ना कहीं से, तो हमको इस टाइप का फॉल्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट फ्रेम को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मैंने इसके सभी स्क्रू को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं इसके फ्रंट फ्रेम को निकालता हूँ और देखता हूँ कि मैं साइड कॉफ अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने इसके फ्रंट फ्रेम के लॉक को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारी साइड कॉफ रहती है दोस्तों वो हमेशा डिस्प्ले के राइट साइड में ही होती है, यानी इस साइड में होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमको 2 साइड कॉफ देखने को मिल जाती है। एक तो हमारी ये वाली है साइड कॉफ, आप देख सकते हो ये वाली, एंड दूसरी हमारी ये वाली है साइड कॉफ, आप यहाँ पर दे सकते हो। तो दोस्तों अगर उसमें साइड कॉफ अवेलेबल होंगी इस टाइप के फॉल्ट में तो आप लोग उसको इजीली यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। अगर साइड कॉफ अवेलेबल नहीं होंगी तो आप लोग ऐसे फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको यहाँ पर रख देते हैं एंड सबसे पहले मैं डिस्प्ले को निकाल के पलटाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर वाइंडिंग पेपर यूज़ करने वाला हूँ ताकि जो हमारा डिस्प्ले है वो इनर फ्रेम से डिसकनेक्ट हो जाए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा डिस्प्ले कहने के चिपका हुआ रहता है हमारे इनर फ्रेम के साथ एंड जैसे हम डिस्प्ले को उठाते हैं तो वो क्रैक हो जाता है हमारा डिस्प्ले। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेफ्टी के साथ यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले को इसके इनर फ्रेम से अलग कर दूँगा। इस टाइप से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सावधानी से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले को निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर 5 कॉपी को रखा हूँ एंड इसके ऊपर मैं डिस्प्ले को उल्टा करके रख दूंगा ताकि जो मैं डिस्प्ले है उसको मैं इजीली यहाँ पर रिपेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने डिस्प्ले को उल्टा करके यहाँ पर रख दिया हूँ कॉपी के ऊपर, ताकि जो हमारा कॉर्नर है वो बिल्कुल भी क्रैक ना हो या ब्रेक ना हो। तो अब मैं करता हूँ उसको चालू और आपको दिखाता हूँ उसको चालू करके एक बार कि इसमें किस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। सॉरी, बटन बंद थी। तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज़। एंड दोस्तों यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड से। एंड जैसे मैं टैप करता हूँ यहाँ पर इस टाइप का लाइट यहाँ पर शो होता है एंड यहाँ पर जो ब्लैक कलर का यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आपको शो हो रहा है वो हमारी कॉपी का यहाँ पर शेडो है,
जो कि मैं बाद में निकाल दूंगा। अभी टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉपी कर रखूँगा ताकि जो मेरा डिस्प्ले थोड़ा ऊपर उठा रहे। तो दोस्तों आप बारिश को रिपेयर करने की कैसे रिपेयर करना है स्टक फॉल्ट को वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा साइड का ऑफ है जो कि हमारा स्केलर पीसीबी के पास वाला साइड का ऑफ है एंड इसमें आपको एक मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा इसके कॉर्नर पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TAPE 9517-08। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर है हमारे साइड कॉफ का। तो जैसे आप उसको नेट में सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको उसका पिनआउट देखने को मिल जाएगा कि कौन से पिनआउट में कितना वोल्टेज यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप साइड में इमेज भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख पाऊँ 29 वोल्ट आपको शो हो रहा होगा जो कि हमारे VGH की सप्लाई का है जिसमें भी 23 वोल्ट आ रहा था हमारे स्केलर पीसीबी में। बट हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमारे साइड कॉफ में कि जो हमारा वोल्टेज है VGH का वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर हल्का सा उसको स्क्रैच कर दिया हूँ यहाँ पर जो कि हमारे VGH की सप्लाई का। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऊपर इमेज भी आपको शो हो रही है जहाँ पर 29 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है वो हमारे VGH की सप्लाई का है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा इसको स्क्रैच कर दिया हूँ। तो आपको सावधानी से यहाँ पर स्क्रैच करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे क्या होगा जो आपके प्रिंट हो एक में से टच भी हो सकते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर की नेगेटिव वाले प्रोब को बॉडी अर्थ पर लगा दिया हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मैं करता हूँ उसको चालू और देखते हैं जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ 20 वोल्ट DC पे एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू। चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंड मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज़। रिलीज़ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लैक डिस्प्ले हो रहा है अभी भी, यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर चालू हो चुका है एंड अब हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि जो हमारे VGH की सप्लाई वहाँ पर कितना वोल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा VGH की सप्लाई है तो यहाँ पर -3 वोल्ट शो हो रहा है जबकि यहाँ पर +20 वोल्ट के एबो यहाँ पर शो होना चाहिए था, बट यहाँ पर -3 वोल्ट शो हो रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारे VGH की सप्लाई है वो यहाँ पर मिसिंग है तभी यहाँ पर -3 वोल्ट शो हो रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट VGH का, तो यहाँ पर कितना शो हो रहा है -3 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि हमारे VGL का यहाँ पर रिटर्न करंट आता है, बट यहाँ पर हमको +20 वोल्ट के एबो यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारा स्केलर PCB है उससे मैं यहाँ पर एक जंपा करता हूँ वायर को जो कि हमारा VGH का रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिश कर देता हूँ सोल्डर करने के लिए, आपको सावधानी से यहाँ पर सोल्डर करना पड़ेगा और बहुत सफाई से आपको इसको करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने इसको सोल्डर कर दिया हूँ इस तरीके से, मैंने पॉलिश कर दिया हूँ एंड दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाला फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ करने वाला हूँ कॉपर का, यहाँ पर आप देख पाओ जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है और इजीली हम इसको यहाँ पर सोल्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर जंपर वायर को सोल्डर कर दिया हूँ पूरी सफाई के साथ एंड दोस्तों जो हमारा वायर है इसको मैं कहाँ पर सोल्डर करूँगा, यहाँ पर जो कि हमारे VGH का टेस्टिंग पॉइंट है ये वाला जहाँ पर 23 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा था। तो मैं ये वाले वायर को यहाँ पर सोल्डर कर दूंगा इस जगह पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि हमारा VGH का टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने वायर को सोल्डर कर दिया हूँ, मैंने यहाँ से लिया हूँ साइड कॉफ से एंड मैंने उसको यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ जो कि हमारा VGH का टेस्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ पर बनती कि नहीं बनती एंड जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों अब मैं करता हूँ उसको स्टैंड बाय से रिलीज़ एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, यहाँ पर स्काईकॉन लिखा आ चुका है आप देख सकते हो एंड जो आपको ब्लैक यहाँ पर शो हो रहे इसके नीचे कॉपी आप लोगों को बता चुका हूँ मैंने ऑलरेडी, इसको मैं बाद में निकाल दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर विजडम शेयर लिखा आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारी स्मार्ट TV है एंड जो हमारा फॉल्ट है दोस्तों वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। यानी दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वायर का जंपर किया हूँ, मैंने यहाँ से सिर्फ एक वायर का मैंने जंपर किया हूँ उसके साइड कॉफ में एंड जो हमारा फॉल्ट है नो डिस्प्ले का वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है बहुत ही आसानी से। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास कोई भी LED हो 24 इंची हो 32 इंची हो 40 इंची हो 42 इंची हो 55 इंची हो 65 इंची हो या कोई भी इंच की हमारी LED हो अगर उसमें पूरे वोल्टेज यहाँ पर बनते हैं एंड फिर भी आपको नो डिस्प्ले यहाँ पर शो होता है तो आप लोग सबसे पहले चेक कर लेना है इसकी साइड कॉफ को, अगर उसमें साइड कॉफ अवेलेबल होंगी तो आप लोग उसको इजीली यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो, अगर साइड कॉफ अवेलेबल नहीं होंगी तो आप इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हमारे बूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड जो हमारे आइकॉन यहाँ पर पूरे आ चुके हैं आप यहाँ पर देख पा रहे सेटिंग TV असिस्टेंट नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको पूरा पैक और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले को सीधा कर देता हूँ और उसको फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर जंपर वायर को टेप के थ्रू चिपका दिया हूँ ताकि जो हमारा जंपर वायर है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो अब मैं डिस्प्ले को पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने डिस्प्ले को पलटा दिया हूँ यानी सीधा कर दिया हूँ। सीधा करने के बाद दोस्तों ये हमारा साइड कॉफ, तो मैंने यहाँ से वायर को लिया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दिख रहा होगा आपको बिल्कुल एकदम ढीला है दोस्तों। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेते हुए
यहाँ पर हमारा वायर निकल चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम ढीला है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप जंपर करूँगे साइड को ऑफ में तो आपको वायर को थोड़ा ढीला ही यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कोई भी चीज़ से प्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने फ्रंट फ्रेम को लगा दिया हूँ, लगाने का दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा वायर है एकदम फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा जंपर वायर है बहुत बड़ा है यहाँ पर, तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, छोटा करने के बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसके सारे स्क्रू को लगा दिया हूँ, लगाने के बाद दोस्तों अब मैं इसके वायर को छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वायर को छोटा कर दिया हूँ, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से मैंने इसको सोल्डर भी यहाँ पर कर दिया हूँ। तो मैंने इसके बैक कवर को लगा दिया हूँ, लगाने के बाद दोस्तों मैंने इसके सारे स्क्रू को भी लगा दिया हूँ। एंड अब मैं करता हूँ उसको चालू, चालू करने के बाद देखते कि जो मेरा नो डिस्प्ले का फॉल्ट है वो यहाँ पर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने उसको स्टैंड बाय रिलीज़ कर दिया हूँ, रिलीज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं इसको उठाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा स्काईकॉन लिखा चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कोई भी कंपनी की हो, इसमें स्काईकॉन का स्टिकर लगा हुआ है, चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो, इंटेक्स हो, या कोई भी अदर कंपनी की ही क्यों ना हो, अगर इसमें इस टाइप का फॉल्ट आता है ना, पूरे वोल्टेज यहाँ पर बनते हैं फिर भी नो डिस्प्ले यहाँ पर शो होता है, तो सबसे पहले आपको साइड कॉप के वोल्टेज को चेक कर लेना है। साइड कॉप का जो मॉडल नंबर सबका अलग अलग रहता है, एंड आप लोगों को नेट में मिल जाएगा कि इसका पिन आउट कौन कौन सा है, तो आप लोग को इसके मॉडल नंबर के हिसाब से इसका पिन आउट मिल जाएगा। तो आप लोग उस हिसाब से इसको रिपेयर कर सकते हो कि इसका वीजीएच कौन सा है, वीजीएल कौन सा है। तो बस आज की वीडियो में इतने बताना था कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। वोल्टेज अगर बन रहा है आपकी एलईडी में, उसके डिस्प्ले में पूरे वोल्टेज बन रहे हैं, वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, वीडीडी, एवीडीडी सब बन रहा है दोस्तों, फिर भी नो डिस्प्ले है, तो सिंपल आप लोग को साइड कॉप चेक कर लेना है। साइड कॉप होंगी तो आप रिपेयर कर सकते हो, नहीं होंगे तो नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इसी और वीडियो जाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।